बाबा दास पुलिस ने पुख्ता सबूत ना होने के बावजूद ब्लाइंड हत्या केस का महज 10 घंटे के भीतर किया खुलासा। बाबा दास पुलिस को रात पौने 10 बजे एसएसबी पब्लिक स्कूल के बी ब्लॉक गोपाल नगर में झगड़ा होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में घायल युवक को आनंद फानन में अस्पताल राव तुलाराम में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक भरत भूषण, जिसकी उम्र 32, के सिर में गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस को घटना स्थल से खून से सनी दो ईंटें मिली। आसपास में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज व पुख्ता सबूत न मिलने पर एसीपी विजय सिंह के दिशा निर्देशन में एसएचओ जगतार सिंह के नेतृत्व में मजबूत टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर सुखदेव मीना, एसआई जयविंद्र, हवलदार प्रदीप, सिपाही संजीत की टीम ने अपने अपने सूचना तंत्र माध्यमों से जानकारी जुटानी शुरू की। आसपास से पूछताछ के दौरान सिपाही संजीत को पता चला कि मृतक भरत भूषण खेड़ा मोड़ इलाके में एक कंप्यूटर की दुकान में काम करता था और 2 महीने पहले उसकी फरवरी में ओला टैक्सी ड्राइवर से झड़प हुई थी, जिसके चलते टैक्सी ड्राइवर ने जान से मारने की धमकी दी थी। सूचना के तुरंत बाद छापेमारी के दौरान जब दोनों शख्स को पुलिस ने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपियों द्वारा मृतक भरत भूषण की हत्या करने की बात को कबूलते पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। द्वारका एडिशनल डीसीपी आरपी मीना अनुसार पकड़े गए मुजरिमों में से एक का नाम दीपक उम्र 24, दूसरा जोगेंद्र उम्र 25 गोपाल नगर के रहने वाले हैं और दोनों ओला कैब के ड्राइवर हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोप जी, इसमें कल शाम को एक कॉल आई थी 9:45 में, जिसमें कि एक झगड़ा होना बताया था, और जब हम मौके पर जाके देखा तो इसको इंजर्ड को पीसीआर गाड़ी हॉस्पिटल ले जा चुकी थी। हॉस्पिटल जाने पे पता लगा कि जो विक्टिम है उसकी डेथ हो चुकी है। जब आगे इसमें फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन की तो इसमें पता लगा कि जो इंजर्ड था उसका नाम भूषण था, जो कि गोपाल नगर का ही रहने वाला है। और फर्दर जब आसपास लोगों से पूछताछ की गई और जो सोर्स डिप्लॉय किए हमने सीक्रेट्स अपने, तो उनसे पता लगा कि इसके दो और दोस्त हैं, जिनमें एक का नाम दीपक और दूसरे का नाम योगेंद्र सिंह है, वो भी उसी एरिया में रहते हैं। इनका किसी बात पे झगड़ा हुआ था जिसमें इन्होंने इसके सर में ईंट मार दी, उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। इन दीपक और योगेंद्र को हमने हिरासत में ले लिया है और इनसे अभी पूछताछ चल रही है और फर्दर इसमें पता कर रहे हैं कि क्या मकसद था। इंडिया क्राइम न्यूज़, जुल्म के